हाय, मैं हूँ जिया और आप देख रहे हैं एक्सप्लोरिंग हिस्ट्री। और आज हम बात करेंगे मुगल्स के बारे में। फन फैक्ट, क्या आपको पता है दिस शोज इंट्रो एनिमेशन इज 20 सेकंड्स लॉन्ग। दैट्स अ लॉन्ग इंट्रो, सो थैंक्स फॉर बियरिंग विद अस। सो मौर्यस और गुप्तास के बाद इंडिया की तीसरी और आखिरी सुपर फैमिली थी मुगल्स, जिनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, जी हाँ, द डिलीशियस बिरयानी। और उन्होंने ताजमहल, लाल किला वगैरह भी बनाए, बट बिरयानी। इन सब की शुरुआत हुई जब इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठा, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है, और पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी, इब्राहिम लोदी के अंकल आलम खान लोदी और मेवाड़ के राजा राणा सांघा ने मिलकर फरगाना के रूलर बाबर को इंडिया पर हमला करने की दावत दी। बाबर तुर्कों की चुगताई नस्ल से था। वो पैटर्नल साइड से तीमूर का रिश्तेदार था और मैटर्नल साइड से चंगेज खान का। वाओ, दैट्स अ फैमिली। बाबर ने इंडिया पर हमला किया और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया, जिन्होंने बाबर को इनवाइट किया था। उन्हें लगा था कि बाबर भी तीमूर की तरह लूट मार करके चला जाएगा, लेकिन बाबर ने ऐसा नहीं किया और वो इंडिया का पहला मुगल रूलर बना, अज्यूमिंग द टाइटल ऑफ बादशाह। जब सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं हुआ तो राणा सांघा ने बाबर के खिलाफ बगावत कर दी और बैटल ऑफ खानवा में हार गया। फिर एक और राजपूत मेदिनी राय के साथ बैटल ऑफ चंदेरी हुई और फिर बैटल ऑफ घाघरा में उसने महमूद लोदी और बंगाल के सुल्तान नुसरत शाह को हराया। उसकी जबरदस्त मिलिट्री सक्सेस की वजह थी कि उसने पहली बार इंडिया में गन पाउडर यानी बारूद का इस्तेमाल शुरू किया। उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी तुज़के बाबरी तुर्किश लैंग्वेज में लिखी, जिसे पर्शियन में अब्दुल रहीम खाने खाना ने बाबर नामा के नाम से ट्रांसलेट किया और मैडम बीब्रिज ने इसे इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया। उसके मरने के बाद उसे आगरा में दफन किया गया, लेकिन बाद में उसकी कब्र को अफगानिस्तान शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद उसकी अंपायर उसके चार बेटों में डिवाइड हो गई। उसके बेटे हुमायूं ने अपने तीन भाइयों कामरान, हिंदल और अस्करी को हराया और पूरी अंपायर उसके हाथ में चली गई। 9 साल तक हुकूमत करने के बाद एक अफगानी इन्वेडर शेर शाह सूरी ने उसकी अंपायर पर हमला किया और बैटल ऑफ चौसा में हुमायूं को हराया। उसके 1 साल बाद फिर से शेरशाह ने बैटल ऑफ बिलग्राम में हुमायूं को हराया और हुमायूं को मजबूरी में अपनी सल्तनत छोड़कर पर्शिया जाना पड़ा। और इंडिया में शुरू हुई सूर डायनेस्टी, जिसने 15 साल राज किया। हम ये 15 साल इस एपिसोड में स्किप करेंगे, बिकॉज आज का एपिसोड है सिर्फ मुगल्स के लिए। शेरशाह और उसके बेटे इस्लाम शाह के मरने के बाद आदिल शाह की हुकूमत में हुमायूं ने उसकी अंपायर पर हमला किया और उसे हराकर दूसरी बार राजा बना। उसके 1 साल बाद ही उसकी शेर मंडल लाइब्रेरी में सीढ़ियों से नीचे गिरने से मौत हो गई। पहले पोलो खेलने से, फिर बिल्डिंग गिरने से और अब सीढ़ियों से गिरने से। दिस इज गेटिंग फ्रॉम बैड टू वर्स। उसकी बहन गुलबदन बेगम ने उसकी बायोग्राफी हुमायूं नामा लिखी। उसके मरने के बाद उसकी बीवी हमीदा बानो बेगम ने दिल्ली में उसका मकबरा बनवाया। उसके बाद उसके बेटे अकबर को सिर्फ 14 साल की उम्र में गद्दी पर बैठाया गया, लेकिन असल में रूलर था अकबर का गॉडफादर बैरम खान। आदिल शाह सूरी के हारने के बाद उसके सेनापति हेमू बकाल ने अकबर के खिलाफ जंग की, विच इज नोन एज सेकंड बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन हेमू एंड बैरम खान, जिसमें हेमू हार जाता है। अगले 4 साल तक बैरम खान ने अकबर की आड़ में रूल किया। उसके मरने के बाद 2 साल और अकबर ने महम अंगा और अधम खान जुंटा के इशारों पर राज किया, जिसे पेटी कोट गवर्नमेंट कहा जाता है। पेटीकोट गवर्नमेंट, यू सी मिस्टर जॉन ग्रीन, हिस्टोरियंस आर नॉट दैट बैड एट नेमिंग थिंग्स। अकबर के कोर्ट में भी चंद्रगुप्त द सेकंड की तरह नवरत्न थे। ये थे अबुल फजल, जो एक फिलोसोफर और ग्रीक लिटरेचर के एक्सपर्ट मुबारक नगौरी के बेटे थे। उन्होंने अकबर नामा लिखी, जिसकी अपेंडिक्स है आईन अकबरी, जो अकबर के लॉज और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है। उनके भाई फैजी भी नवरत्न में से एक थे, जिन्होंने भास्कर्य की लिखी हुई फेमस मैथमेटिक्स की बुक लीलावती को ट्रांसलेट किया। तानसेन, जो इंडिया के सबसे फेमस क्लासिकल सिंगर हैं, इनका असली नाम था मुकुंद मिश्रा और ये स्वामी हरिदास और हजरत मोहम्मद गौस के स्टूडेंट थे। नवरत्नज में सबसे फेमस थे राजा बीरबल, जिनका असली नाम है महेश दास, ये अकबर के सबसे भरोसेमंद एडवाइजर थे। राजा टोडरमल अकबर के फिनेंस मिनिस्टर थे। अकबर के आर्मी कमांडर थे राजा मान सिंह। अब्दुल रहीम खाने खाना एक राइटर थे, जिन्होंने हिंदी में पोएम्स लिखी। फकीर एजाउद्दीन अकबर के स्पिरिचुअल एडवाइजर थे और मुल्ला दो प्याजा भी अकबर के एडवाइजर थे। अकबर ने राजपूतों को अपने कोर्ट में ऊंचे पोस्ट पर रखा। उसने अजमेर के राजपूत रूलर भारमल की बेटी हरखाबाई या हीरा कुमारी या जोधाबाई से शादी की।
मेवाड़ के सिसोडिया राजपूतों ने अकबर के खिलाफ जंग की, लेड बाय देयर लीडर महाराणा प्रताप। उसने राजा मान सिंह की आर्मी से बैटल ऑफ हल्दी घाटी में जंग की और हार गए। अकबर के दौर में और भी कई बैटल्स हुए, यह है उनकी लिस्ट। अकबर रिलीजन के मामले में बहुत ही लिबरल था। उसका मानना था कि सभी को अपना रिलीजन छोड़कर सुलह कुल करना चाहिए, यानी एक दूसरे को एक्सेप्ट करना चाहिए। उसने फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना बनवाया और उसने सभी रिलीजन के स्कॉलर्स को बुला करके उनसे डिस्कशन की, और उसके बाद उसने फैजी को हुक्म दे करके एक खुतबा यानी ओरेशन लिखवाया, जिसे मजहरनामा कहा जाता है, जिसमें उसने अपने आप को इस्लामिक लॉ का आखिरी जज बताया और अपने आप को अमीरुल मोमिनीन और अमीर अदल का टाइटल दिया। उसने दीन इलाही नाम का एक नया रिलीजन बनाया जो सूफियों से इंस्पायर्ड था, जिसे अबुल फजल, फैजी और बीरबल ने एक्सेप्ट किया, लेकिन उसके मरने के बाद यह रिलीजन बिल्कुल ही खत्म हो गया। बीरबल उसके कोर्ट का इकलौता हिंदू था जिसने दीन इलाही एक्सेप्ट किया था। राजा टोडरमल ने जब्ती सिस्टम शुरू किया, जिसमें तमाम जमीन को नाप कर उनकी इनकम का अंदाजा लगाया जाता था और फिर उसी हिसाब से लोगों से जुल्मी टैक्स लिया जाता था। इसके अलावा उसने मनसबदारी सिस्टम भी शुरू किया। अकबर के कोर्ट में आने वाले पहले अंग्रेज थे रैल्फ फिच। अकबर ने फतेहपुर सिकरी, आगरा फोर्ट, लाहौर फोर्ट, अलाहाबाद फोर्ट और हुमायूं का मकबरा बनवाया। अकबर की मौत के बाद उसे आगरा के करीब सिकंदरा में दफन किया गया। बीरबल की मौत भी यूसुफ जई ट्राइब से जंग करते हुए हुई। अच्छा, मलाला भी इसी ट्राइब से है? नहीं पता। तुमको पता क्या रहता है? नहीं, कौन बनाया तुमको मेरा एडवाइजर? अकबर का कोई बेटा नहीं था। फतेहपुर सिकरी में शेख सलीम चिश्ती के दरबार से आने के बाद उसे एक बेटा हुआ, जिसका नाम उसने सलीम रखा। सलीम अकबर के बाद जहांगीर के नाम से अगला मुगल रूलर बना। उसकी शादी एक पर्शियन नोबलमैन शेर अफगान की बेटी महरून निसा से हुई, जो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल हो गई। सिक्कों और फरमानों में जहांगीर के साथ उसका भी नाम लिखा होता था। उसे जहांगीर ने नूर जहां का टाइटल दिया। उसके दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव कैप्टन विलियम हॉकिंस और किंग्स जेम्स फर्स्ट का एम्बेसडर सर थॉमस रो इंडिया आया था, जिसे जहांगीर से सूरत में एक ट्रेडिंग पोर्ट बनाने की इजाजत मिल गई। जहांगीर बहुत ही इंसाफ पसंद राजा था। उसने आगरा फोर्ट के सामने जंजीर अदल लगवाया। ये एक बड़ा सा बेल था जिसमें एक लंबी चेन लगी हुई थी। जिसे भी इंसाफ चाहिए होता वो ये बेल बजाता। राणा प्रताप के बेटे राणा अमर सिंह ने जहांगीर के सामने सरेंडर कर दिया और उसकी एम्पायर का मनसबदार बन गया। उसका बेटा खुसरू पांचवें सिख गुरु गुरु अर्जुन देव का स्टूडेंट बन गया और जहांगीर के खिलाफ बगावत कर दी। जहांगीर ने उसे हराया और गुरु अर्जुन देव को मार डाला। उसके अलावा उसके बेटे शाहजहां और उसके आर्मी कमांडर महावत खान ने भी उसके खिलाफ बगावत की। उसने अपनी लाइफ हिस्ट्री तुस्के जहांगीरी पर्शियन में लिखी। उसके मरने के बाद उसे लाहौर में दफन किया गया। उसके बाद उसका बेटा खुर्रम या शाहजहां गद्दी पर बैठा। उसका दौर मुगल अंपायर का गोल्डन एज था। बाबर ने इस डायनेस्टी की शुरुआत की। अकबर ने इसके सिस्टम को परफेक्ट किया और शाहजहां इसे अपने पीक पर ले गया। देखा जाए तो मुगल्स में ऑसम रूलर्स और नॉट सो ऑसम रूलर्स की एक अल्टरनेट साइकिल है, जस्ट लाइक विंडोज। उसकी माँ थी जगत गोसाई या जोधाबाई। उसकी सौतेली माँ नूर जहां ने उसकी शादी अपने भाई आसफ खान की बेटी अर्जुमंद बानो बेगम से करवा दी, जिसे शाहजहां ने मुमताज महल का टाइटल दिया। शाहजहां मुमताज महल से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन अफसोस कि राजा बनने के सिर्फ 4 साल के बाद ही मुमताज महल की डेथ हो गई। इस इंसिडेंट ने शाहजहां को इमोशनली तोड़ दिया और उसने अपनी प्यार की निशानी के तौर पर बनवाया द मैग्निफिसेंट ताजमहल, द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन ह्यूमन हिस्ट्री। उसके दौर में बुंदेलखंड के रूलर जूझर सिंह बुंदेला को हराकर उसके इलाके पर कब्जा कर लिया गया और डेक्कन के गवर्नर खान जहान लोधी की बगावत को भी खत्म किया गया। उसने पोर्टुगीज ट्रेडर्स को भी अपनी एम्पायर से निकाला और अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा की सल्तनत को अपने एम्पायर में मिला लिया। उसके अलावा उसने नॉर्थ वेस्ट के इलाकों पर भी कब्जा किया। उसने कांधार को भी जीता, लेकिन वो इलाका वापस उसके हाथ से निकल गया और बहुत सारे एक्सपेडिशंस के बाद भी वो उसे वापस नहीं जीत पाया। उसके दौर की डिटेल्स हमें फ्रेंच ट्रैवलर्स बर्नियर और टैवर्नियर से मिलती हैं। इसके अलावा इटालियन ट्रैवलर निकोली मनुची भी उसके राज में आए थे। शाहजहां ने शानदार इमारतें बनवाई। उसकी इमारतों की डिजाइन और सिमेट्री की मिसाल और कहीं नहीं मिलती हैं। इसमें सबसे फेमस है ऑफ कोर्स द ताज महल, द आइकॉनिक रेड फोर्ट या लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद जो इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, और आगरा की मोती मस्जिद। इसके अलावा उसने ढेर सारे गार्डन्स भी बनवाए।
अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में शाहजहां बीमार पड़ गया और उसके चारों बेटों दारा शिकोह, मुराद, शाह शुजा और औरंगजेब ने गद्दी के लिए जंग शुरू कर दी। राजा बनने के लिए टोटल 5 जंगें हुई। यह है उनकी लिस्ट। औरंगजेब अपने तीनों भाइयों को हराकर बना अगला मुगल रूलर। उसने शाहजहां को बंदी बना लिया और ग्रेटेस्ट मुगल एम्परर ने अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त अकेले एक काल कोठरी में बिताए। औरंगजेब की हुकूमत बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। टेरिटरी वाइज इंडियन हिस्ट्री में शायद ही किसी राजा ने इतने बड़े एरिया पर अकेले राज किया होगा, बट ऑन द अदर हैंड पूरे मुगल रूल में उतने बगावत कभी नहीं हुए जितने औरंगजेब के रूल में हुए। उसने सती का सिस्टम बंद करवाया, साथ ही झरोखा दर्शन, तूलदान और नवरोज फेस्टिवल और शराब को भी बंद करवाया। जैसा कि हमने पढ़ा कि दिल्ली सल्तनत में नॉन मुस्लिम्स को आर्मी में शामिल होने नहीं दिया जाता था, उसके बदले उन्हें एक टैक्स देना पड़ता था जिसे जिजिया कहा जाता है। अकबर ने नॉन मुस्लिम्स को ऊंचे सरकारी पोस्ट पर बैठाया और उसका सबसे भरोसेमंद आर्मी जनरल राजा मान सिंह खुद एक हिंदू राजपूत था, तो नेचुरली जिजिया का सिस्टम खत्म कर दिया गया। औरंगजेब ने दोबारा आर्मी से नॉन मुस्लिम्स को निकालकर जिजिया टैक्स शुरू करवाया, लेकिन हिंदू मनसबदारों की अथॉरिटीज उनसे नहीं छीनी गई। उसने मुहतसिब नामी एक ओहदा बनाया जिसका काम था लोगों की मोरालिटी को चेक करना। वाओ! उसने फतावाए आलमगीरी लिखी और औरंगाबाद में ताजमहल का एक चीप क्लोन बनवाया नोन एज बीबी का मकबरा। उसने केशवनाथ टेम्पल और विश्वनाथ टेम्पल को गिरवा दिया। उसने 50 साल तक हुकूमत की, लेकिन उसका फर्स्ट हाफ नॉर्थ इंडिया में मराठास के साथ स्ट्रगल करने में लगा और सेकंड हाफ साउथ इंडिया में। उसने सिखिज्म के नवे गुरु गुरु तेग बहादुर को बंदी बनाया और मार डाला। उनके बेटे आखिरी गुरु गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब के खिलाफ लड़ने के लिए एक सिख आर्मी बनाई जिसे खालसा कहा जाता है। उसके बाद उनके स्टूडेंट बंदा बैरागी ने भी ये बगावत जारी रखी। इसके अलावा मराठास एक पावर बनकर सामने आए। शिवाजी और औरंगजेब का स्ट्रगल बहुत दिनों तक चला, लेकिन औरंगजेब की आर्मी कभी भी शिवाजी को पकड़ नहीं पाई। आखिर में उसने आम्बेर के राजा जय सिंह के साथ मिलकर शिवाजी को अपने दरबार में बुलाया, लेकिन शिवाजी को वहां जाकर कुछ गड़बड़ी लगी और वो वहां से भाग गए। शिवाजी के बेटे शंभाजी को औरंगजेब ने पकड़ लिया और सजाए मौत दी। उसके बाद भी मराठा रेबिलियन जारी रही। इसके बारे में डिटेल्स हम अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। यह औरंगजेब के दौर में होने वाले रिवोल्ट्स की लिस्ट। उसकी मौत अहमदनगर में हुई और उसे दौलताबाद में दफन किया गया। तो ये थे 6 मुगल रूलर्स। इनके बाद मुगल एम्पायर का एक्सपेंशन रुक गया और उसके बाद और भी रूलर्स आए जिनके बारे में हम अगले एपिसोड में पढ़ेंगे, लेकिन ऑनेस्टली नोबडी केयर्स अबाउट देम बिकॉज हर एक के दौर में ये डिनेस्टी और कमजोर होती गई और फाइनली बहादुर शाह जफर द सेकेंड के दौर में ये पूरी तरह से खत्म हो गई। मुगल एम्पायर बहुत सारे सूबों में डिवाइडेड थी। अकबर के राज में 15 सूबे थे जो औरंगजेब के वक्त में 20 हो गए। सूबों को सरकार, उनको परगनाज और उनको ग्राम में डिवाइड किया जाता था। इन सब के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते थे सूबेदार, फौजदार, सिखदार और मुकद्दम रेस्पेक्टिवली, और फिनेंशियल हेड होते थे दीवान, अमलगुजार, कानून गो और पटवारी, और लॉ एंड ऑर्डर के हेड होते थे बख्शी, कोतवाल, सिखदार और चौकीदार। अकबर ने मनसबदारी सिस्टम शुरू की जिसमें लोगों को उनके रैंक के हिसाब से मनसब दिए जाते थे, यानी एक फिक्स्ड आर्मी उन्हें मेंटेन करने के लिए दी जाती थी। मनसब को मेंटेन करने के लिए 2 तरह के पेमेंट होते थे, एक तो कैश जिसे नकदी कहा जाता था, वैसे आज भी उसे नकदी ही कहा जाता है, और दूसरा जागीर यानी जमीन का एक हिस्सा उन्हें टैक्स कलेक्शन के लिए दे दिया जाता था। मुगल एम्पायर की डिक्लाइन की बहुत बड़ी वजह यह थी कि उनके पास देने के लिए जागीर की जमीन कम पड़ने लगी। तो इससे एक बात तो साबित है कि मुगल एम्पायर का इनकम सोर्स था द जुल्मी टैक्स, और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली डिपेंडिंग ऑन हाउ मच ब्लैक मनी यू हैव, जुल्मी टैक्स से बचने का कोई तरीका नहीं था। अकबर के राज में राजा टोडरमल ने टैक्सेशन का फुल प्रूफ सिस्टम बनाया था जिसे दहसला बंदोबस्त या जब्ती सिस्टम कहते हैं, जिसमें हर एक सिटीजन की जमीन को मेजर करके उस पर फिक्स टैक्स लगाया जाता था। मुगल इरा में ढेर सारे बुक्स लिखे गए। ये है उनकी लिस्ट। मुगल डिनेस्टी के खात्मे की बहुत सी वजह थी, जैसे औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसीज, नाकाबिल सक्सेसर्स जो आपस में ही गद्दी के लिए लड़ने लगे, जागीरदारी क्राइसिस शुरू हुई, मराठा, अवध, बंगाल और मैसूर वगैरह के इंडिपेंडेंट रूलर्स हो गए, एंड ऑफ कोर्स फॉरेन इन्वेडर्स। तो ये थे मुगल्स, लेकिन इनकी कहानी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। अगले एपिसोड में हम पढ़ेंगे कुछ और टॉपिक्स और कंक्लूड करेंगे मेडिवल हिस्ट्री को। अंटिल देन टेक केयर।
This show is brought to you by SemiCircle. A special thanks to our history consultant Pushpal Chongdar, our music composer Zohran Sajid, and our graphics team Pixel Theory. ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लॉग ऑन टू semicircle.in. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने सजेशंस हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.